राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आने वाला है हम सबके आराध्य बाके बिहारी लाल का जन्मदिन, और बाके बिहारी जी का जन्मदिन 28 तारीख को है, और 28 तारीख को बिहार पंचमी है। बिहार पंचमी वाले दिन ही बाके बिहारी लाल जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो आप में से बड़े सारे लोगों के ये प्रश्न थे कि बाके बिहारी लाल के जन्मदिन पर अगर हम श्रीधाम वृंदावन नहीं आ पा रहे तो बाके बिहारी लाल का जन्मदिन घर पे रह के कैसे बनाए। अगर हमारे घर पे बाके बिहारी लाल की कोई प्रतिमा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्रतिमा नहीं है तो लड्डू गोपाल के साथ बाके बिहारी लाल जी का जन्मदिन कैसे बनाए। बिहार पंचमी पर बाके बिहारी लाल जी प्राकट्य हुआ था, उनका निधि वन में हुआ था। पहले मैं आपको कर दूं कि आप जो बाके बिहारी जी के मंदिर में जाते हो वहां पे उनका प्राकट्य नहीं हुआ था। श्री हरिदास जी ने बाके बिहारी लाल जी का जो प्राकट्य किया था वो निधि वन में किया था, और निधि वन में आप लोगों ने देखा होगा कि एक सफेद सफेद सी जगह है, यहाँ पर मैं फोटो भी लगा दूं, यहाँ पर ही बाके बिहारी लाल जी का प्राकट्य हुआ था। एक बात आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि जब श्री हरिदास जी ने बाके बिहारी लाल जी को प्रकट किया था तब श्री हरिदास जी ने अपने हृदय से बाके बिहारी लाल के लाल से पहले एक राधा रानी और एक श्री कृष्ण जी प्रकट किए थे। और जब श्री हरिदास जी ने उनसे विनती करी कि मैं श्री कृष्ण जी की तो सेवा अर्चना वंदना बहुत आराम से कर लूंगा, लेकिन माता आपकी पूजा अर्चना वंदना कैसे करूंगा, तब दोनों एक ही प्रतिमा बन गई और नाम पड़ा बाके बिहारी लाल। और बाके बिहारी लाल जिस दिन प्रकट किया था श्री हरिदास जी ने, उस दिन बिहार पंचमी थी। तो बिहार पंचमी पर श्रीधाम, देखो श्रीधाम वृंदावन में तो वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा ही उत्सव रहता है। श्रीधाम वृंदावन में आप कभी भी आपको एक उत्सव ही लगेगा। परिक्रमा मार्ग पे जाइए और तैनाच रही होती हैं, डीजे लगे होते हैं, ढोल बज रहे होते हैं, जगह जगह भंडारों का आयोजन होता है। ये मैं केवल बाके बिहारी लाल के जन्मदिन की बात नहीं करी, वैसे भी ये सारी चीजें होती ही रहती हैं। जब आप परिक्रमा मार्ग पे जाते हैं अनेकों जगह कथाएं चल रही होती हैं, बहुत ही आनंद आता है। श्रीधाम वृंदावन में ऐसा लगता है आके कि मानो आप एक स्वर्ग में आ गए हो। यहाँ पे चारों तरफ भक्ति जो महारानी हैं उन्होंने प्रबलता से पैर बिछा रखे होते हैं, प्रबलता से वो बिछ रखी होती है। मैं आप लोगों को एक उसकी बात बताती हूँ, नगर निगम की यहाँ पे कूड़े वाली गाड़ी आती है। श्रीधाम वृंदावन में नगर निगम की कूड़े वाली गाड़ी आती है। मैं श्रीधाम वृंदावन में रहती हूँ तो जो जो चीजें नोटिस करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। वो नगर निगम की जो कूड़े वाली गाड़ी है, सफाई वाली जो गाड़ी आती है जिसमें कूड़ा हम लोग थ्रो आउट करते हैं, वो भी राधा रानी के गाने गाती हुई आती है। अर्थात वो ये नहीं कहती कूड़ा फेंको, ये फेंको, वो फेंको, वो राधे राधे के गाने गाती हुई आती है। सब्जी वाला भी राधे राधे बोलता है, ऑटो वाला भी राधे राधे बोलता है, दूध वाले भैया आते हैं और वो भी हॉर्न के साथ राधे राधे ही बोलते हैं। मतलब यहाँ पे राधे राधे ऐसी है जैसे आपकी हेलो हाय नमस्ते। तो यहाँ पे आते ही मुख से अपने आप सबसे पहले राधे राधे ही निकलता है। तो श्रीधाम वृंदावन में उत्सवों की कोई कमी नहीं होती, यहाँ पे हमेशा उत्सव ही उत्सव रहता है। अगर आप बिहार पंचमी पर जो कि 28 नवंबर की है श्रीधाम वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं तो घर पे रह के कैसे आप बाके बिहारी लाल का जन्मदिन बना सकते हैं, आज मैं उसी पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं। तो देखिए, बाके बिहारी लाल जो हैं वो बाल स्वरूप हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, तो उनको सुबह सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता और वो छोटे से हैं। श्री हरिदास जी का मानना था कि मेरा जो लाला है वो रात को निधि वन जाता है, निधि वन में जाके फिर वो बिहार करता है, अर्थात रासलीला करता है। अब जब रासलीला करके आते हैं तो महाराज थक जाते होंगे, और जब थक जाते हैं तो श्री हरिदास जी उनको सुबह सुबह कभी नहीं उठाते थे, थोड़ी देर से उठते थे। जैसे कि उनके कभी भी मंगला आरती नहीं होती, अर्थात बहुत ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त की आरती नहीं होती है। गर्मियों में उनका समय अलग होता है, 6-6:30 बजे उनको उठाया जाता है, सर्दियों में 7 बजे के आसपास उनको उठाया जाता है। तो उस दिन जिस दिन बाके बिहारी लाल का जन्मदिन है आप लोग अपने लड्डू गोपाल को भी 6-6:30 बजे के आसपास उठा सकते हैं। उसके बाद बाके बिहारी लाल का पंचामृत से अभिषेक होता है, आप लोग भी अपने घर पे अपने लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कराइए। बाके बिहारी लाल जी का जो पसंदीदा रंग है, जो उनको पीताम्बरधारी भी बोला जाता है, पीले वस्त्र उस दिन उनको पहनाए जाते हैं। तो आप भी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र उस दिन अवश्य और अवश्य पहनाइए। द्वारा श्री हरिदास जी की सवारी निकाली जाती है और बहुत धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अब मैं घर की बात कर लेती हूँ।
तो आप सुबह सुबह अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाइए, उनका पंचामृत से स्नान कराइए, उनको आपको पीले वस्त्र अवश्य पहनाने हैं, धूप दीप से उनका अभिषेक, धूप दीप उनको आप दिखाइए। हो सके तो उस दिन बिहार पंचमी है, एक अखंड ज्योत अपने मंदिर में अवश्य और अवश्य जला दीजिए। अखंड ज्योत अगर आप जला दोगे तो होता क्या है कि पूरे दिन की पूजा अर्चना वंदना भगवान द्वारा स्वीकार की कर ली जाती है। और वैसे भी बिहार पंचमी पर तो राम जी और सीता माता का भी विवाह हुआ था, तो उसको विवाह पंचमी भी बोलते हैं। जिस दिन बिहार पंचमी होती है उसी दिन उसको विवाह पंचमी भी बोला जाता है। उसके बाद फिर आप लोग अगर आप लोग जैसे कि जब खाटू श्याम जी का जन्मदिन होता है तो लड्डू गोपाल को खाटू श्याम जी का स्वरूप बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप बाके बिहारी जी का लड्डू गोपाल को स्वरूप बना सकते हैं, उनको हल्का सा थोड़ा सा कलर करके पेंट करके, अगर आपके मन में ये भाव आ सकता है कि हाँ चलो आज बाके बिहारी लाल का जन्मदिन है तो आज हम अपने लाला को थोड़ा सा काला यहाँ पे पेंट कर दीजिए, आज आप उनको बाके बिहारी जी का स्वरूप बनाइए अगर हो सके तो। अगर नहीं बना सकते, आपके मन में ये भाव नहीं आ रहा है, तो उनको कम से कम 56 भोग लगाइए। 56 भोग भी नहीं लगा सकते तो बाकी बिहारी लाल जी का जो पसंदीदा भोग है वो है दूध और भात का भोग, आप दूध और भात का भोग जरूर लगाइए। चंद्रकला का भोग उस दिन आप जरूर लगाइए, बाकी बिहारी लाल को चंद्रकला का भोग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। बाकी बिहारी लाल जी ये दही बल्ले पकौड़े इन सब के बहुत ज्यादा शौकीन है, क्योंकि वो बालक हैं, बच्चे हैं, उस चीज का आप भोग लगाइए। आप चाहे तो 56 भोग भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तिथि है, नए लड्डू गोपाल भी लेके आ सकते हैं। और आपके जो पुराने लड्डू गोपाल हैं जिनकी आप नित्य पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, उनकी भी विशेष प्रकार से पूजा अर्चना वंदना करते हैं। बड़े सारे लोग बोलते हैं केक काट सकते हैं, तो बिहारी जी के मंदिर में केक काटा जाता है। मैं 3 साल बिहारी जी के मंदिर में, मैंने बाकी बिहारी लाल के साथ ही जन्मदिन बनाया है। इस बार तो मेरी मजबूरी है, मैं वृंदावन होके भी वहां पे नहीं जा सकती क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा अधिक होती है, तो मेरी मजबूरी है, नहीं तो मैं जरूर और जरूर जाती। और मैंने 3 साल बाकी बिहारी लाल जी के साथ ही उनका जन्मदिन बनाया, उनके जन्मदिन पर उनका केक काटा जाता है, तो आप लोग भी केक काट सकते हैं। मेक श्योर केक काटने से पहले आप ध्यान दीजिए कि मिल्क केक आप काट लीजिए, या फिर घर पे बना हुआ केक प्रेफर कीजिए, या फिर एगलेस केक ही प्रेफर कीजिए। लड्डू गोपाल के साथ भी आप उनका जन्मदिन बना सकते हैं, जैसे सुबह सुबह आपने अभिषेक करा, फिर आपने पीले वस्त्र पहना दिए, फिर आपने लड्डू गोपाल को बाकी बिहारी जी का स्वरूप बना दिया, उनको एक उपहार अच्छा सा कुछ भी दिया, चाहे बांसुरी दे दी आपने, चाहे कोई भी उपहार में आपको आपने कोई चीज दे दी, सर्दी का मौसम आ रहा तो आपको आपको आपने उनको इत्र उपहार में दे दिया, इत्र की जो मालिश होती है इत्र उपहार में दे दिया, कोई नए वस्त्र उपहार में दे दिए, घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट किया, क्योंकि मंदिर को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाता है। उस दिन मैं कुछ पिक्चर्स भी लगा दूंगी जो मेरे पास अभी भी अवेलेबल होंगी, हैप्पी बर्थडे का बैनर वगैरह लगा के मंदिर में केक कटिंग का कार्यक्रम होता है और बहुत अच्छी तरीके से दर्शन होते हैं। तो जैसे आपके घर में एक छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, वैसे ही आप अपने लाला का जन्मदिन मना सकते हो कुछ इस प्रकार से कि देखिए, जिसके घर में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल होते हैं, जिनके घर में पूजा का भाव होता है, उनके घर पे नित्य ही कोई ना कोई त्योहार अवश्य होता है। तो 28 तारीख को आप लोग भी बिहार पंचमी वाले दिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का जन्मदिन अवतरण दिवस अवश्य बनाइए। और आशा करती हूँ अगर आप लोग वृंदा बनाइएगा तो मुझसे अवश्य मिलेगा, और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा।